क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाई SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए हम एक्टिविटी देखते हैं, जिसके लिए एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारे लिए आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर यह है या फिर यह है, कौन सा है वो भी चेक करते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फाउंड बाय हैलाइड। बेंजीन हैलाइड के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, बेंजील हैलाइड इज ग्रेटर देन एलिल, 3 डिग्री हैलाइड इज ग्रेटर देन एलिल, 2 डिग्री हैलाइड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड इज ग्रेटर देन 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, मेथिल हैलाइड। तो यहाँ पर हमने देखा है कि एक्टिविटी बेंजील हैलाइड के लिए सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आंसर बेंजील हैलाइड ही होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे।